पायलट ने किया था मना, लेकिन नहीं माने। सभा में हो गया धमाका। जब ट्रेन से पटना लाया गया तो यह ट्रेन हो गई 7 घंटे लेट। यह राजनेता आजाद भारत का पहला कैबिनेट मंत्री बना जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी मौत आज भी है मिस्ट्री। सीबीआई सीआईडी तक नहीं खोज पाई सुराग। बिहार का एक ऐसा बेटा जो राजनीतिक चाल का शिकार हो गया, जिसकी हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। सरकारें आई गई, जज के बाद जज बदलते गए, लेकिन उस गुत्थी को आज तक कोई न सुलझा पाया। यह व्यक्ति अपने कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जब वह केंद्र में मंत्री के पद पर रहे तो बिहार के लिए कई अहम कार्य किया था। उत्तर बिहार में आने वाले बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कोसी योजना में पश्चिमी नहर का निर्माण के लिए भारत नेपाल समझौता करवाया था। उन्होंने मिथिला की पेंटिंग को देश विदेश में पहुंचाया, जिसने बिहार को एक अलग पहचान दी। आपको भी समझ में आ ही गया होगा, बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं ललित नारायण मिश्रा के बारे में। बिहार का एक ऐसा राजनेता जिसके दिमाग में बिहार को लेकर एक विजन था, एक सोच था, एक तस्वीर थी, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें उनका पूरा सपना धरा का धरा रह गया और वे हम लोगों के बीच से चले गए। ललित नारायण मिश्रा आजाद भारत के पहले कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी हत्या हो गई और यह गुत्थी आज तक न सुलझ पाई। आपको बता दें कि 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उनका हमला किया गया, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया था। ललित बाबू को जिस ट्रेन से पटना भेजा गया, वह ट्रेन 7 घंटे लेट में दानापुर पहुंची, यानी कि इस ट्रेन को 7 घंटे में दानापुर पहुंचना था और यह ट्रेन 14 घंटे में दानापुर पहुंची, जिसमें उनका इलाज ठीक से ना हो सका और आखिर में उनकी जान चली गई। अब उनकी हत्या की गुत्थी आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं उनकी हत्या हुई कैसे और उसकी गुत्थी आज तक सुलझी क्यों नहीं। वह दिन था 2 जनवरी 1975 का। वह समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए। वह सरकारी विमान से आ रहे थे और जैसे ही विमान पटना पहुंचा, यहाँ कोहरा ज़्यादा था तो पायलट ने कहा कि हम दिल्ली लौट चलते हैं, नीचे उतरने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन ललित बाबू नहीं माने। उन्होंने कहा कि लोग इंतज़ार करेंगे, न जाऊँ तो हो सकता है वो क्या क्या कहे। पायलट के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने नहीं माना और प्लेन पटना के रनवे पर उतरा। और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर जब वे भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने कार्यों के बारे में लोगों को बताया। रेलवे को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने चर्चा किया। फिर जब वे मंच से नीचे उतरे तो भीड़ से एक व्यक्ति ने बम फेंका, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि घायल होने वालों में उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा भी थे, लेकिन इस हादसे में उनके साथी एमएलसी सूर्य नारायण झा और रेलवे के एक कर्मचारी की मौत हो गई। बता दें कि इस घटना में 11 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। इस घटना के एक दिन के बाद रेलवे ने FIR दर्ज किया और यह केस CID को सौंप दिया गया। इसके बाद बिहार के हस्तक्षेप के बाद यह केस जो है CBI के पास पहुंचा। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन के पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि DMCH था, जहां पहुंचना आसान था, लेकिन उस दिन डॉक्टरों का हड़ताल था। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह की घटना के दौरान भी डॉक्टरों को हड़ताल पर रहना चाहिए। इसके बाद ललित बाबू को पटना ले जाने का फैसला लिया गया। अब दूसरा आरोप यह लगता है कि जब उन्हें ट्रेन से ले जाने का फैसला लिया गया था तो 132 किलोमीटर का यह सफ़र, जो कि 660 घंटे में पूरा किया जा सकता था, उस ट्रेन को 14 घंटे क्यों लग गए। बताया जाता है कि ट्रेन घंटों यार्ड में खड़ी रहती थी, ट्रेनों को संटिंग में डाल दिया जाता था। जब ललित बाबू अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि जगन्नाथ को देखो, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, और किस्मत देखिए जगन्नाथ बाबू बच गए। इस हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए CBI ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की थी तो उसमें उसने बताया कि त्रिमोहन गांव में एक सभा हुई, जिसमें यह तय हुआ था कि विनायक नंदन उर्फ जगदीश माधवानंदन की हत्या की थी। उसके बाद
विश्वेश्वरा नंद उर्फ विजय को उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर की जान लेने की जिम्मेवारी दी गई थी। उसके बाद रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुदेवानंद को ललित बाबू की हत्या की जिम्मेदारी मिली थी। इन नामों के अलावा रामाश्रय प्रसाद को 5 बम इंतजाम करने की भी जिम्मेवारी मिली थी। यह सभी हथियार गोपाल जी के नाम के एक व्यक्ति के पास रखा गया था। हालांकि इस पूरी कहानी को साल 1977 में ललित बाबू की पत्नी कामेश्वरी देवी ने खारिज कर दिया और देश के उस समय के गृह मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह को एक खत लिखा, जिसमें इस हत्याकांड को फिर से जांच कराने की बात कही। नवंबर 2014 में सेशन कोर्ट ने रंजन द्विवेदी, संतोषानंद और सुवेवानंद और गोपाल जी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और 2015 में ये सभी जमानत पर छूट गए। इस दौरान ललित बाबू का पूरा परिवार यह कहता रहा कि उन्हें सजा हुई है जो कि निर्दोष है। हालांकि इस दौरान कई तरह की अफवाहों को भी खूब हवा मिला, जिसमें यह कहा जाने लगा कि ललित बाबू का कद राजनीति में बड़ा हो रहा है, यानी कि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और वह उस समय जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि इंदिरा गांधी कमजोर थी। ऐसे में लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा कि साजिश के तहत उनकी हत्या करवाई गई थी। कहा जाता है कि ललित बाबू इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफ़ी करीबी रहे थे। राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि अगर ललित बाबू जिंदा होते तो जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच में इतनी दूरियां नहीं होती। ललित बाबू के कार्यों को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने मिथिलांचल के विकास को लेकर कई काम किए हैं। उन्होंने लखनऊ से असम तक लेटरल रोड की मंजूरी करवाई थी, जो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फारबिसगंज होते हुए जाता है। रेल मंत्री रहते उन्होंने झंझारपुर, लौकहा रेलखंड, भपटियाहे और फारबिसगंज रेल लाइन जैसी 36 रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण की स्वीकृति दी थी, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक राज बन के रह गई है। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, जगन्नाथ मिश्रा को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है या फिर आपको लगता है कि इस तरह के एस्पेक्ट हो सकते थे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।